ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। राजनीति छोड़ सकता हूँ लेकिन कांग्रेस में फलौदी सट्टा बाजार में जिस तरह से समीकरण आ रहे हैं उसी से भाजपा की कई सीटें जाती हैं। सट्टा सट्टा होता है और सट्टा बाजार कई बार जानबूझ के ऊंचा ऊंचा करके धड़कने बढ़ा के कमाई करता रहता है। अच्छी बात है, नई लीडरशिप आनी चाहिए। लोकतंत्र हेल्दी डेमोक्रेसी का वो है, लेकिन जो व्यक्ति लंबा चलना चाहता है कोई भी हो वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ के चलेगा तभी लंबा चलेगा। सत्ता में हो या विपक्ष में हम आवाज की उठाने वाले किरोड़लाल मीणा राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, कांग्रेस नेताओं को इन दिनों आपकी चिंता बहुत सता रही है, प्रताप सिंह खाचरेवास हो चाहे गोविंद सिंह रघुराज राव, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं दरअसल वोट पाने के लिए। मेरे को कांग्रेस ने कभी कसर नहीं छोड़ी मारने में, धराशायी करने में, लेकिन अब वो चिंता करने लगे कि डॉक्टर कुलदार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, गृह मंत्री भी नहीं बनाया, जो विभाग दिया विकास हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सोच कोई पद पाने के लिए नहीं होता, जनसेवा के लिए होता है। परिवार के लिए पद के लिए तो गांधी परिवार लड़ता है, हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी से निर्वहन करके सर्व समाज की सेवा करेंगे। ईआरसीपी को लेकर एक सरकार को आपने बड़ा लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटा सर ने भी कहा है कि जल्दी किरोड़ीलाल जी कांग्रेस में शामिल। पता नहीं ऐसी बात क्यों करी उन्होंने, मैं तो जब पार्टी से निकाल दिया गया था तब भी खुद सोनिया गांधी जी ने राहुल जी ने कहा था व्यक्तिगत भेंट में कि आप कांग्रेस में आ जाओ, हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने मना कर दिया। आपको ध्यान है मैं निर्दलीय दौसा से सांसद लड़ा था, जीत के गया था। तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ लेकिन कांग्रेस में नहीं जा सकता। फलौदी सट्टा बाजार में जिस तरह से समीकरण आ रहे हैं उसमें से भाजपा की कई सीटें जाती हुई दिखाई। सट्टा सट्टा होता है और सट्टा बाजार कई बार जानबूझ के ऊंचा ऊंचा करके धड़कने बढ़ा के कमाई करता रहता है। मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 25 के 25 कमल के फूल खिलेंगे। उसमें 200 सीट पर भी पेज फंसा हुआ बता रहे हैं। पेज तो फंसता रहे, पेज निखाड़े हैं घूम घूम के सारे। जिस तरह से लग रहा है कि पोलिंग पर एक तरह से कहें कि वोटिंग कम हुई है, कांग्रेस कह रही है कि इसको हमारा फायदा होगा। कांग्रेस तो पहले विधानसभा से पहले भी कह रही थी कि हम 150 के बहुमत से राज में दोबारा लौटेंगे, जो 70 पर रह गई। तो पता नहीं कौन से सपने देखते हैं मुंगेरी लाल के, तो देखते रहो, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा और डबल इंजन की सरकार राजस्थान को तेजी से आगे ले जाएगी। आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं लगातार मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी पुनर्जन्म लेकर ये कहे कि मोदी जी से ST SC के आरक्षण को ख़त्म कर दो तो भी नहीं, मोदी जी के रहते हुए होने वाला नहीं है, और डॉक्टर किरोड़लाल के रहते हुए आरक्षण पे तनिक भी आँच नहीं आने वाली। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं उत्सुक है कि किरोड़लाल मीणा कई बार मंचों पर उग्र होते हुए दिखे हैं, नाराज होते हुए दिखे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दर्द उनके अंदर है, छलक कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, ईश्वर में भरोसा करता हूँ, प्रभु की सत्ता में विश्वास करता हूँ। तो जो ईश्वर है वो तो न मैंने देखा न किसी ने नहीं देखा, पर एक ईश्वर है दीनहीन गरीब जिसको मैं देखता हूँ, तो उसको कोई तंग करता है, परेशान करता है, उसकी कोई पीड़ा होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मेरा स्वभाव कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं उसके साथ अन्याय सहन नहीं कर सकता और उसकी मदद। आपके हाथों से कई ऐसे नेता बनकर उभरे हैं, हनुमान बेनीवाल ही आपके साथ थे, फिर आपने एक बड़ा नेता बनाकर आज वो अकेले लड़ रहे हैं, एक नया युवा रविंद्र सिंह भाटी टक्कर दे रहा है दोनों पार्टियों को। अच्छी बात है, नई लीडरशिप आनी चाहिए। लोकतंत्र हेल्दी डेमोक्रेसी का वो है, लेकिन जो व्यक्ति लंबा चलना चाहता है कोई भी हो वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ के चलेगा,
तभी लंबा चलेगा। मैं भी निर्दलीय जीत चुका हूँ, MLA भी, MP भी, कई चुनाव भी, लेकिन बिना विचारधारा का आदमी लंबा नहीं चल सकता। ये जो भी जवान आ रहे हैं राजनीति में, उनको जोश में होशनी होना चाहिए, किसी न किसी सॉलिड विचारधारा से जुड़ के राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। और एक समाज के बलबूते पर कोई नेता टेम्परेरी बन सकता है, जैसे पानी में बबूल आता है वैसे ख़त्म हो जाता है, लंबा नहीं चल सकता। नेता बनने के लिए विचारधारा की उस पर सीढ़ी पर तो खड़ा होना ही पड़ेगा। समाज की बात की है, चुनाव में जाट समुदाय, राजपूत, ये बड़े महकमे कहीं ना कहीं समाज तबके थे वो नाराज थे, और उसमें दो और जुड़ गए थे, गुर्जर और मीणा। एक आपको ऐसा लगता है कि मेरे चार बार टिकट कटे हैं तब भी BJP जीती, मेरे बराबर तो काम किसी ने कटने वालों ने किया नहीं। तो ये भ्रम है कि फलाने का टिकट कट गया वो जाट नाराज है, फलाने का टिकट कट गया गुर्जर नाराज है, फलाने को मैं अहमियत नहीं दी मीणा नाराज है, ये सब निर्मूल है। देश की जनता चाहती है कि मोदी की अगुवाई में देश विश्व पटल पर अपनी धाक जमाए, इसलिए पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ है। 25 में से यदि एक भी सीट इधर उधर होती है क्या वजह मानेंगे आप? कोई वजह नहीं, कई बार हो जाती है तो आगे और मजबूती से देश की जनता की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया किरणलाल मीणा। सरकार में मंत्री दावा कर रहे हैं कि 25 सीटें आएगी, यदि एक दो सीटें कम भी रह जाती है तो शायद जो गलतियां हुई उनको सुधारने का प्रयास होगा। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस के नेता उनको लेकर चिंतित थे, उन्होंने कहा कि वो किस राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस में कतई नहीं जाएंगे। कैमरा CV मनोज के साथ विशाल समझापुर, राजस्थान।